आज मैं डिस्चार्ज होकर घर जा रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने दिनों के बाद मैं अपने बेबी से मिलूंगी, और इतने दिन से बस मैं सिर्फ उसको फील कर पा रही थी। आई एम सुषमा शर्मा एंड ही इज़ माई हस्बैंड सुनील शर्मा। मेरी 9 months की प्रेगनेंसी चल रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ, अचानक से 7th of April को मुझे फीवर हुआ। तो मुझे फीवर हुआ तो नॉर्मल था, मैं अपनी गायनी के पास गई और मैंने नॉर्मल मेडिसिन जो देते हैं वो दी उन्होंने। उसके बाद वहाँ पर मुझे कोल्ड और कफ भी स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मेरा फीवर ज़्यादा बढ़ने लग गया। 11th को मॉर्निंग को मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मतलब मेरे को अब तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो आप आ जाओ, ये दिल्ली में रहते हैं, मैं यहाँ पठानकोट में रहती हूँ। मम्मी के पास आई हुई थी डिलीवरी के लिए स्पेशली, तो फिर मैंने कहा कि आ जाओ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो फिर उसके बाद मैंने इनको जब फ़ोन किया, ये दिल्ली से आ गए, उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, एमरजेंसी में लेके गए इनको एक लोकल हॉस्पिटल में, बट वहाँ हमें बेड नहीं मिल पाया इनके लिए और इनका हालत ज़्यादा ख़राब हो रहा था R/R। सो हमने डिसाइड किया कि वी विल मूव टू पठानकोट टू अमृतसर, और हमने यहाँ कई काफ़ी सारे हॉस्पिटल हमने पता किए, कहीं भी बेड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बट समहाउ किसी ने बोला कि आप अगर यहाँ अमनदीप मेडिसिटी में अगर आप जाते हैं आप एक बार बात कर लीजिए, तो वी कॉल हेयर एंड वी आस्क दिसक कि बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन आप अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली आप यहाँ आ जाइए। हम लोग यहाँ आए तो यहाँ आते ही इनका जो भी इन्होंने इनिशियली जो ट्रीटमेंट जो देते हैं एमरजेंसी वो दिया, डॉक्टर मोनिका महेश्वरी एंड डॉक्टर मनदीप वर देयर, इन्होंने शी वाज 9 months प्रेगनेंट। और ऑल ऑफ सडन जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो इनकी डिलीवरी सेम डे ही डिलीवरी प्लान की बिकॉज ऑफ इनका फ्लूड कम था, और उसके बाद डिलीवरी प्लान होने के बाद बेबी वॉज हेल्दी एंड वी आर हैप्पी दैट बेबी इज हेल्दी एंड मदर वॉज ऑल्सो फाइन, बट इनकी हालत डे बाई डे खराब होती थी R/R, लेकिन बेबी को इन्होंने NICU में रखा फॉर 2 or 3 days। बहुत बात है कि 2 दिन बाद बेबी का कोविड रिपोर्ट के बाद हमको बेबी हमारी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया। बेबी का नाम कियान शर्मा है एंड वो ठीक है और फैमिली के साथ है पठानकोट में। और उसके बाद मेरी वाइफ को शी वॉज वेरी इल एंड इनको कोविड ICU में रखा गया, 7 दिन ये वहाँ रही और 7 में से कम 5 दिन ये वेंटिलेटर पर रही। और उसके बाद जब ये वेंटिलेटर से ऑफ हुई हैं और उसके बाद इनको 2 दिन और 1 दिन और रखा गया ICU में, कोविड ICU में। नाउ शी इज़ फाइन एंड इनकी हालत अब पहले से बहुत बहुत बेटर है। नाउ वी आर इन अ रूम एंड शी इज़ फाइन एंड वी आर हैप्पी एंड वी आर थैंकफुल टू ऑल डॉक्टर्स, ऑल स्टाफ एंड स्पेशली डॉक्टर मनदीप एंड डॉक्टर मोनिका महेश्वर। आज मैं डिस्चार्ज होकर घर जा रही हूँ एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने दिनों के बाद मैं अपने बेबी से मिलूँगी, और इतने दिन से बस मैं सिर्फ उसको फील कर पा रही थी, आज मैं उसको अपने बाजुओं में लेके टच कर पाऊँगी और मतलब ले पाऊँगी कि हाँ ये मेरा बेबी है। इतने दिन से सिर्फ मेरे पास एक फीलिंग है कि हाँ मेरे आस पास ही है वो। हेलो एवरीवन, माइसेल्फ डॉक्टर मोनिका महेश्वरी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एट अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर। अभी जैसे आपने केस सुना, दिस इज सुषमा शर्मा का। शी केम ऑन 19th April इन द इवनिंग इन एमरजेंसी इन मेडिसिटी हॉस्पिटल विद कोविड सीरियस सिचुएशन एंड इसका लाइकर भी बहुत कम था, तो वी हैव टू टेक द इमीडिएट सिजेरियन ऑफ हर। एंड डिलीवरी के बाद एज अ गायनेकोलॉजिस्ट I was looking after her, and as a pediatrician, Dr. Justine was looking after the baby. Then this case was taken over by our pulmonologist and the intensivist team, and she was taken care of well, and then she is going to be discharged today. So, ऐसे situation में जहाँ पे patient sick है और COVID positive है, तो ऐसे patients को timely अपने doctor को consult करना चाहिए, जिसकी वजह से patient timely refer हो सके ऐसे centers पे जहाँ पे पूरी team available है। मेडिकल टीम जैसे कि पल्मोनोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, प्रॉपर निकू फैसिलिटीज़ हैं, लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हैं, CT स्कैन, MRI, एक्सरे सब हो सके, लेबोरेटरीज 24 आवर्स ओपन है, ब्लड बैंक अवेलेबल है,
तो वहाँ पे पेशेंट्स टाइमली प्रॉपरली मैनेज हो जाते हैं एंड द सिचुएशन कैन बी बेटर हैंडल.